प्रयागराज आईजी का सख्त निर्देश, तस्करी की गाड़ियां जिन रास्तों से गुजरेंगी वहां के थानेदार होंगे जिम्मेदार। कौशाम्बी, तस्करी की गाड़ियां जिन जन रास्तों से गुजरेंगी वहां के थानेदार नपेंगे। भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए पुलिस अधिकारी छद्म वेश में इनपुट जुटा रहे हैं। अफसरों की सख्ती के कारण थानेदार भी गुडवर्क करने के फिराक में हैं। रणनीति भ्रष्टाचार को शून्य के स्तर ले जाने की है। पुलिस अधिकारी तस्करों के पकड़े जाने पर उनसे जानेंगे कि किन किन जिलों और थाना क्षेत्रों से होते पहुंचे हैं। सच्चाई जानने के बाद संबंधित थानों के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलिया में एडीजी की छापेमारी में वसूली का खेल उजागर होने के बाद प्रयागराज परिक्षेत्र में कार्रवाई की मुहिम छिड़ी है। खबर जगत के लिए एलएन सिन्ने की रिपोर्ट। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने गाड़ी लेकर के जा रहा था तो पुल के पास, लहदरी पुल के पास कड़ा धाम का एक कार खास सिपाही, वो नाम अपना सनी यादव जो है बता रहे थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे 500 रुपये मांगा, मैंने नहीं देने के लिए इनकार किया तो एक थप्पड़ भी मारा। इसके बाद 500 रुपये भी मैंने दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपको 3000 महीने की एंट्री लगेगी। एंट्री के लिए मैंने उनसे कहा कि मैं एंट्री नहीं दे पाऊँगा, तो उन्होंने कहा कि आप जो है बात कर लीजिए बड़े साहब से। तो अपने ही फ़ोन से उन्होंने बात करवाए हैं तो उन्होंने कहा है कि आपको 3000 महीना लगेगा, इधर गाड़ी चलाना है, नहीं कल से गाड़ी लेकर के यहाँ से मत निकलना, नहीं गाड़ी मैं आपकी बंद कर दूंगा, चाहे ओवर लोड हो चाहे अंडर लोड हो। और कागज़ भी मैंने कहा कि आप सर कागज़ देख लीजिए, तो कागज़ भी मेरे गाड़ी के सब कुछ होके थे। तो मैंने कहा कि अंडर लोड गाड़ी है, मैं नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने कहा कि आज के बाद गाड़ी लेकर के यहाँ से नहीं निकलना। धमकी भी दिया कि 3000 रुपये लगेगा, नहीं गाड़ी लेकर के नहीं आना। अपने ही फ़ोन से कार खास ने मुझसे बात जो है करवाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार पांडे, कमासिन थाना और बांदा का रहने वाला हूँ।